हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मजाक पर। और मैं हूं दोस्तों इंजीनियर के जे सरण। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपको समीकरण के कुछ बेसिक ट्रिक्स बताए थे। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको समीकरण से रिलेटेड और भी चीज़ें बताने जा रहा हूं। मतलब समीकरण का क्वेश्चन और भी जैसे होंगे, वो कैसे बनेंगे, कैसे सोल्व होंगे, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आइए दोस्तों, एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि मैं आपको बताया था कि समीकरण सोल्व करते समय हम लोग ये ध्यान देते हैं कि कांस्टेंट जो है एक साइड हो जाना चाहिए और वेरिएबल एक साइड होना चाहिए। और मैंने उस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करके दिखाया था। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग जो है इसे सोल्व करेंगे अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो। तो दोस्तों याद रखिएगा, समीकरण को सोल्व करते समय हम लोग बोर्ड मास को विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। जैसे कैसे, उसके विषय में आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कैसे। जैसे एक क्वेश्चन अगर ऐसे हो जाएगा दोस्तों, 3x प्लस टू, पहले सिंपल क्वेश्चन से चलते हैं, और ये 4x प्लस 3 बराबर 3/4, और इसे सोल्व करना है दोस्तों। तो देखिए रूल क्या कहता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग इसको सोल्व करते समय हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना दोस्तों, तो ये देखिए, ये मतलब ये 4 जो होगा ये इधर आकर ऊपर हो जाएगा और ये इधर आकर ऊपर हो जाएगा। तो जब इस तरह से होगा तो ये देखिए दोस्तों, 4 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस 2 में, और इच इक्वल टू रहेगा 3 जाकर ये 4x प्लस 3 में। अब देखिए रूल क्या कहता है, ये 4 जो है, आप लोग इसको पढ़े होंगे मल्टीप्लिकेशन में, ये 4 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 12, और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 चौका 12 1 और प्लस 3 तिहाई 9। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 12x और ये प्लस में 12 है ना, तो ये माइनस में 12x हो जाएगा बराबर 9, और ये प्लस में 8 है, इधर माइनस 8। अब देखिए दोस्तों, ये 12x और माइनस 12x हो गया, इसका मतलब है कि हमारा जो वेरिएबल है वो कट जा रहा है। इसका मतलब है कि इस प्रकार के समीकरण का कोई हल ज्ञात करना संभव नहीं है। मतलब क्या, इस प्रकार के समीकरण का कोई हल ज्ञात नहीं होगा। क्यों नहीं कोई हल होगा दोस्तों, क्योंकि आप देखो यहाँ पर वेरिएबल्स टर्म जो है x है, तो ये x का वेरिएबल जो है, तो यहाँ पर 12x है और ये माइनस 12x, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया ना दोस्तों, ये कट हो गया, यहाँ पर ये कट गया। तो जैसे ही ये कट गया तो इसका मतलब होता है कि इसमें से कोई भी मान निकालना संभव नहीं है। समझ में आ गई बात। आइए एक और उदाहरण लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। जैसे दोस्तों अगर ये क्वेश्चन हो जाए 5x माइनस 4 बाई 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा दोस्तों तो रूल वही, ये देखो आप 2 इधर चले जाएगा और ये 1 इधर, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों 5x माइनस 4 में, और ये चलो ये 3 ले लो, इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 3, ठीक है। 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई भी आप करेंगे तो वही चीज रह जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 3/2 ले लिए, तो अब देखो रूल क्या कहता है, ये 2 इधर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप देखो दोस्तों, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बचे कितना होता है, तो 10, और ये 2 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 8, और ये 3 से 3 दूनी 6 और ये 3 3 9। समझ में आ रही है ना क्यों मैंने इसमें दोनों में किया। देखिए दोस्तों, ये 2 जो होता है, ये 2, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये 2 जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इस 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। समझ गए। अब फिर देखिए आपके पास तो वही समीकरण आ गया ना, जैसे पहले आपको सोल्व कराते थे, तो 10x हो गया। अब ये देखिए बाउंड्री के उस पार, मतलब समुद्र के उस पार 6x है, इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इधर आकर माइनस हो गया दोस्तों, और बराबर हो गया माइनस 9, और ये माइनस 8 है दोस्तों, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 6 घटाएंगे तो ये 4x हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा। अगली बार आप जब करेंगे तो x बराबर माइनस 1/4 हो जाएगा। तो
उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लेते हैं, कुछ और समीकरण लेते हैं और सोल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोनों इस तरह का बटा वाला, भिन्न वाला, फ्रैक्शन वाला समीकरण समझ में आया होगा। आइए चलते हैं कुछ और सवाल की। आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए आपके पास, 5x + 3 × 2 − 4x + 2 = 5x − 6x + 4 / 2 − 6 × 12 / 4। ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो जाए तो दोस्तों तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस इक्वेशन में हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये बहुत सरल विधि होता है दोस्तों। तो इसको मैंने पहले ही आपको बताया था ना कि अगर आप समीकरण का मास्टर बनना चाहते हो तो आपको गोडमास पता होना चाहिए, और गोडमास का वीडियो मैंने पिछले, मतलब गोडमास का जो क्लास है मैंने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप आराम से उसको देखिए, आसानी से समीकरण को सोल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आप क्या करोगे, वेरिएबल को एक साइड कर लोगे, कांस्टेंट को एक साइड। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, वेरिएबल और कांस्टेंट एक साइड नहीं होता है, तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं, बहुत सारे कांस्टेंट हो जाते हैं, तब कितनों को एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे? और यहाँ पर तो फिर भी बहुत सारे चिन्ह हैं, बहुत सारे सिंबल हैं, तो आप कितने को पलटेंगे, है ना? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना बनाना। तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि बराबर को आप बाउंड्री समझ लो। आप बराबर को समुद्र समझते रहे हो ना, तो बस समुद्र के इस पार वाले को पहले मिला लो जो मिलने वाले हो, और समुद्र के उस पार वाले को मिला लो जो मिलना चाहते हैं, और जब मिल भेट जाए तो फिर क्या करो, वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ कर लो। एकदम आसान हो जाएगा ना दोस्तों। फिर से समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे आप बराबर के चिन्ह को समुद्र मानकर चलो, समुद्र के इस पार वाले को क्या करो, जो जो मिलने जुलने वाले हैं उनको एक साथ कर लो, समुद्र के उस पार जो है मिलने जुलने वाले उनको भी एक साथ कर लो, और फिर देखो कितना मजा आ जाएगा आपको बनाने में। देखिए कैसे, देखिए 5x है ना, 5x पहले यहाँ पर आप देखिए, बराबर को ये समझिए बाउंड्री है, इसे बाउंड्री समझ कर चलो आप, इसके इधर वाले को पहले सोल्व कर लो और फिर उधर वाले को, और इसके बाद तब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से उस साइड करना शुरू करेंगे। समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। अगर नहीं भी तो ये देखिए हम बाउंड्री खींच दिए, समुद्र का पानी बह रहा है इधर, मतलब समुद्र का पानी ऊपर से नीचे बह रहा है, इधर वाले को इधर नहीं जाने दे रहा है, इधर वाले को इधर नहीं आने दे रहा है। तो अब देखो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई है, माइनस है, प्लस है, तो आपको बताया था ना कि अगर ये सब हो तो पहले बोडवास में हम लोग गुणा का काम करते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 × 6 − 4x हो जाएगा, और ये प्लस तो 2 हो गया ना दोस्तों, और बराबर फिर देखो आप ये 5x, ये −6x प्लस, अब देखो दोस्तों यहाँ भाग आ गया, तो 4 में 2 से भाग लगाएंगे ना, तो 2 हो जाएगा, 2 × 4 −6 × 12 में 4 से भाग लगाएंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, होगा ना? समझ में आ रही है ना बात? बिल्कुल आ रही होगी आपको। अब आप देखिए 5 में से अगर आप, अब देखिए दोस्तों जो मैंने बोला था मिलने वाला हो उसको मिला लीजिए, तो यहाँ देखिए 5 और ये 4 एक ही जाति के है ना, तो इनको एक साथ मिला लो आप, तो 5 देखो इसके पहले कुछ नहीं, तो ये प्लस है और 4 के पहले माइनस है, तो 5 में से 4 अगर घटाओगे तो 1 आएगा। तो 1 लिखना जरूरी नहीं है दोस्तों, अलजेब्रा में आप जानते हो 1x को केवल x लिख देते हैं, और ये प्लस में और ये प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये देखो दोस्तों बराबर लगेगा यहाँ, और ये 5x में से 6x घटाओगे अगर आप, तो 5 से 6 घटाओगे तो −x हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2 − 6 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 बोडमास के हिसाब से। अब हो जाएगा दोस्तों x + 8 = −x, और ये देखो दोस्तों प्लस में 2 है और ये −18, एक ही जाति के है ना दोनों, तो −18 में 2 जोड़ेंगे आप तो −16 हो जाएगा। अब x और ये −x है ना दोस्तों, इधर आएंगे तो +x हो जाएगा, और ये −16 और ये +8 है तो ये −8 हो जाएगा। अब बाउंड्री हटा देते हैं दोस्तों, ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए x और x को जोड़ेंगे, 1 × x यहाँ और 1 × यहाँ, तो जोड़ देंगे तो कितना 2x हो जाएगा, 2 × x हो जाएगा, और माइनस में ये भी और माइनस में ये भी, तो ये कितना हो जाएगा −24, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों −24/2, और ये कट जाएगा 12 मरतबा,
इसका मतलब है कि x का मान माइनस 12 हो गया। और इस तरह से दोस्तों हम लोग समीकरण को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आई बात, फिर से समझिए मैंने आपको क्या बताया। वीडियो को शुरू में ही मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते समय आप क्या करो, बराबर के चिन्ह को समुद्र मान पर चलो। समुद्र के इस पार वाले का काम पहले एक साथ कर लो, उस पार वाले का काम एक साथ कर लो। जब दोनों मिल भेंट हो जाए, जब एक वेरिएबल और एक कॉन्स्टेंट बाउंड्री के इस पार और बाउंड्री के उस पार भी एक ही वेरिएबल और एक कॉन्स्टेंट बचे, तो फिर आप क्या करो, बाउंड्री को टिकाना शुरू करो। कहने का मतलब एक तरफ फिर वेरिएबल को कर दो, एक तरफ कॉन्स्टेंट को कर दो, और फिर उसके हिसाब से गुणा भाग अगर आप कर लेंगे ना, एकदम आसानी से समीकरण बन जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपको गणित आसान लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी समीकरण के साथ, और भी मज़ेदार चीज़ों के साथ, और भी डीपली और भी कंसेप्ट आपको दिलाऊंगा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।